हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत जाड़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, मैं क्या बताऊँ। आज मैंने जो दूसरी बार मैं झाड़ू पोछा करती हूँ वो नहीं करी मैं, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही है। सिर्फ मॉर्निंग में ही मैंने एक बार झाड़ू लगाया था, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं सारा समय मेरे पति देव जी जो है ये कोयला जला के गए हुए थे, तो इसी के पास बैठी थी। और जब खाना बनाने का टाइम हुआ तभी मैं उठी हूँ और खाना बना रही हूँ, और इसको भी अपने साथ ही ले आई हूँ, क्योंकि इसकी आँच लगती है। माइंड ना करिएगा, उधर कूड़ा उड़ा रखा हुआ है। तो आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा है मेरे साथ जो है मेरा गेम खेलने में, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, सच मानिए। मैं जो पूरा ब्लॉग देखती हूँ ध्यान से एडिटिंग करते समय, कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछूँ कि आप लोग को मतलब जवाब दे, थोड़ा सा आप लोग सोचो, ढूंढने में ढूंढो आप लोग थोड़ा जवाब, तो मज़ा आता है। और यहाँ पे मैक्स देखिए, इसका बिस्तर मैंने वहाँ कमरे में लगाया हुआ है, लेकिन कमरे में उसको नहीं बैठना है, उसको बैठना यहीं पे है। मम्मी मेरी ब्रश कर रही हैं, तो आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरी मम्मी जब ब्रश करती हैं तो बहुत आवाज़ दे के करती हैं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना। यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी और बनाऊँगी रोटी, चावल नहीं बना रही हूँ क्योंकि सर्दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खाना लेके, मतलब खाना खाने के लिए बैठी हुई हूँ। देख सकते हो आप फ्रेंड्स, खाना लेके बैठी हुई हूँ मैं, खाने की वजह से रखी हुई हूँ। और साथ में यहाँ पे जो है भट्टी भी जल रही है, तो बैठी हुई हूँ सेकने के लिए, थोड़ा ऐसे पैर लगा के सेक भी रही हूँ, साथ में खा भी रही हूँ, क्योंकि सर्दी लग रही है और खाना तो हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी सर्दी लगे, तो खा लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका था और हमारे पति देव आए थे, तो चाय यहाँ पे जो है बन रही है, क्योंकि दूध नहीं था, तो इसीलिए वो जब आए दूध लाएँ तभी चाय बननी, नहीं तो फिर मैं तो 4 बजे ही बना के पी लेती थी। लेकिन ये 6:30 बजे चाय जो है बन रही है, और आप देख सकते हो मेरे ठंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। और इसके बाद यहाँ पर जो है चूड़ा था, तो उन्होंने कहा चूड़ा भूज दो। मेरे पति देव ये ऐसे बहुत खाते हैं, चूड़ा भूज के, लाई भूज के, सब बहुत खाते हैं, तो बस वही मैं भूज रही हूँ। और ये देखिए, इसके बाद जो है यही अपना लग गए थे भूजने के लिए थोड़ा बहुत। तो इसके बाद देखिए मैंने चाय निकाल दी है, 3 ग्लास मेरा, इनका, मम्मी का, तो दे देते हैं। फिर मैंने अपने लिए तो बिस्किट मंगाया था, तो मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ, और मम्मी और ये चूड़ा चाय पियेंगे अपना। हेलो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैं नहा धो के आ गई हूँ, वैसे हाथ तो अपना सुखोड़ लेती हूँ क्योंकि काम नहीं होता है, और मैं पी रही हूँ चाय, साथ में जो है कर रही हूँ अरेंजमेंट नाश्ते पानी का भी। तो क्या कर रही हूँ, कल मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो रात में वही सब्ज़ी चली थी, और थोड़ी सी मतलब 2 कटोरी के लगभग वो सब्ज़ी जो है बची हुई थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसमें जो है मैंने 2 बड़े बड़े आलू काट के डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें मसाले डालूँगी, नमक डालूँगी थोड़ा सा,
थोड़ी धनिया के पत्ती और डाल दूंगी, तो उससे जो है इसका टेस्ट जो है बरकरार रहेगा। और इसके बाद इसको खौला दूंगी और ये पक जाएगी। तो सब्जी जो है जानते हैं आप लोग, मैं क्या करूँगी, ये नाश्ते में पराठे के साथ भी मैं चला दूंगी, और अगर बची रहेगी तो दिन में भी यही सब्जी जो है हम लोग खा लेंगे। तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ क्योंकि ठंडी बहुत है, तो मुझसे तो और कुछ ना हो पाएगा भैया, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और रात में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। रात में मैं निमोना बनाने का सोच रही हूँ, मेरा मन कर रहा है, निमोना खाए काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी यही ठंडी में खाने का मजा है, ये सब निमोना और क्या कहते तहरी और मिक्स वेज, मटर की सब्जी, गोभी, ये सब जो है ठंडी में खाने का ही मज़ा आता है, तो बनाने का सोच रही हूँ। लेकिन पहले मैं इसको चढ़ा देती हूँ ताकि ये बनता रहे। बहुत सर्दी लग रही है, मैं नहा हुआ के आई हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है। और सवालों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, मैंने कहा था जैसा कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, तो आप लोग जो है तैयार रहना, कभी भी पूछ सकती हूँ, मतलब कभी भी क्या, कुछ भी पूछ सकती हूँ, बस देखते रहना। और तो फ्रेंड्स, कितने लोग मेरे तरह जुगाड़ू होते हैं ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। और कल मेरे पतिदेव जो हैं एक उसमें गए थे, सगाई बोलते हैं ना उसको, सगाई में गए थे, तो उसका कुछ जो है वो क्लिप लेके आए हुए हैं, तो उसकी जो है कुछ झलकियाँ मैं आप लोग को दिखाने का सोच रही थी। तो ये सब्जी वब्जी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ। और वहाँ से जो है एक गिफ्ट भी मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई भी सगाई होती है तो रिटर्न में एक गिफ्ट जो है वो दिया जाता है सबको, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या दिया गया है। तो इसमें सारी चीज़ें डाल दूँ ताकि ये पकता रहे, वरना मुझे देर हो जाएगा। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और वो है ये टिफिन जो है उन लोगों ने रिटर्न में दिया है, मतलब कि विदाई में। और ये थोड़ा सा इसमें ये पसीज गया क्योंकि ये फ्रिज में मैंने रखा था। और ये जो गिफ्ट जो है हम लोग को मिला है, और मैं सोच रही हूँ रिव्यू में खा ही लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर खाना चाहते हो तो मेरी तरफ से खा सकते हो। चलिए खा लेते हैं। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी सगाई में ऐसा होता है कि रिटर्न में कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो प्लीज़ बताइएगा। और अब चलिए आपको दिखाती हूँ वो छोटी मोटी क्लिप जो इन्होंने शूट की है। सीयर साथ में लेके सेक्सी डियर बाल टीचर लेगी सारी रात। Oh, 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 oh
हाँ तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोगों ने वीडियो खूब इंजॉय किया होगा। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है तो मैं छत पे हूँ, और छत से ही बता देती हूँ कल के हमारे विजेता कौन है। तो निकिता देव जी हमारी कल की विजेता है, जिन्होंने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था। हालांकि किसी ने भी नारा पूरा नहीं बता पाया था, तो नारा ऐसा था, लाल टमाटर ताज़ा है, नंदी भैया राजा हैं, तो ऐसा नारा था। और कंग्रेचुलेशन, आपने सबसे पहले मुझे जो है हिंट दिया था उसका, नारे का। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब मैं आप लोग को दिखा रही थी सगाई में मुझे क्या गिफ्ट, मतलब पतिदेव को रिटर्न गिफ्ट मिला था, तो उसमें जो है कुछ लड्डुए थे, तो वो कितने लड्डुए थे जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।